नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सौरभ सिंह दोस्तों आप सभी को सीटेट का जितना भी सचिन सर के नोट्स में दिया गया था दोस्तों पूरा कंप्लीट करा दिया गया। नोट्स दोस्तों सचिन सर के नोट्स को आज का ये अंतिम पार्ट है दोस्तों। हिंदी का पेपर 2 का 200 क्वेश्चन का ये एपिसोड होने जा रहा है दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला एपिसोड नहीं देखे होंगे, चाहे EBS हो, CDP हो, पेपर 1 पेपर 2 थ्योरी हो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर आपका SST हो, फिर हिंदी हो, मतलब जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया था दोस्तों सभी को पूरा कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों एग्जाम्पल 91 चैनल पर। दोस्तों आप लोगों को, भाई बहनों को फास्ट रिविजन करने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। आप लोगों को नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस चैनल पर आइए और एक से दो बार हर एक वीडियो को देखिए, उसके बाद सेट लगाइए, बस कोई दिक्कत ही नहीं होगी दोस्तों। जितना स्पीड हो, जितना कम समय में बहुत फास्टली रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आज का सीटेट का अंतिम वीडियो हिंदी का है दोस्तों। इसके बाद हिंदी का नहीं आएगा दोस्तों। 363 पेज का हिंदी का नोट्स था सचिन सरकार दोस्तों, पूरा कंप्लीट करा दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और थ्योरी पढ़ना होगा थ्योरी भी लिखा गया होगा जो भी पार्ट का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब इस चैनल पे दोस्तों BPSC UPSC बिहार दरोगा स्पेशल, BRSSC GD बिहार पुलिस फायरमैन, जितना भी अदर्स कमीशन के एग्जाम होता है दोस्तों, जैसे रेलवे SSC, उसका अब सीट इस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। और जहाँ तक हो सकता है हम मास्टर वीडियो डालने का कोशिश करेंगे, 2 से 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा का एपिसोड, एक एक एपिसोड डालेंगे, जैसे लूसेंट का हुआ पार्ट बाय पार्ट करके मास्टर वीडियो डालेंगे दोस्तों। उसके बाद एक एक घंटा जो पढ़ाएंगे उसका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों, पहले थ्योरी उसके बाद ऑब्जेक्टिव कवर करते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दरोगा बहुत जल्द बिहार में आने वाला है दोस्तों। इसके चलते अब दरोगा का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जितना भी जो भी कमीशन में एग्जाम में GK JS आता है उसके लिए दोस्तों। और फिर धीरे धीरे इस पर मैथ भी एक सेट करवाया जाएगा। बिहार सिविल कोर्ट में 35 क्वेश्चन मैथ पूछता है दोस्तों, और 35 हिंदी और 15 इंग्लिश दोस्तों। तो उसके लिए सेट बहुत जल्द बिहार सिविल कोर्ट का सेट इस पर करवाया जाएगा, और बिहार बंद निषेध का भी दोनों का करवाया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और हम इस चैनल पर काम करते रहें। चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज का ये हिंदी का अंतिम एपिसोड है सचिन सर के नोट्स का दोस्तों। इसके बाद सचिन सर के नोट्स में कोई भी चीज नहीं बचा है दोस्तों, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाक, सुंदर, सिर, भारत, इन शब्दों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पठन सामग्री के शब्द दोस्तों, नाक, सुंदर, सिर, भारत, इन शब्दों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पठन सामग्री के शब्द में दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कविता शिक्षण के लिए आदर्श है? दोस्तों ब, स और दो दोस्तों। चलिए ब, स, दो को पढ़ते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन। पहले आएगा आपका कविता सराहना आनंद और मनोरंजन के लिए, फिर कविता भाषा अधिगम के अवसर प्राप्त करती है, प्रदान करती है, फिर दो आया दोस्तों कविता सौंदर्य बोध तथा तार्किक चिंतन का विकास करती है। कविता शिक्षण के लिए आदर्श है, क्या है फिर से देख लीजिए एक बार। कविता सराहना आनंद और मनोरंजन के लिए है, कविता भाषा अधिगम के अवसर प्रदान करती है, कविता सौंदर्य बोध तथा तार्किक चिंतन का विकास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, कौन सा काव्य आवश्यक अवयव नहीं है? तो दोस्तों व्याकरण सम्मत भाषा रचना ये नहीं है दोस्तों। कौन सा काव्य आवश्यक अवयव नहीं है? तो व्याकरण सम्मत भाषा रचना नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित कथन पढ़िए, अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय हैं, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना। इस खो में देखिए दोस्तों, इस विधि खो में क्या बोला, इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित रूप से सीखनी चाहिए। शिक्षक को
मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए। याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं। उपरोक्त विशेषताएं संबंधित हैं डॉक्टर बेस्ट की नवीन विधि से। क्या हुआ दोस्तों? डॉक्टर बेस्ट की नवीन विधि से एक अध्यापिका अपनी कक्षा को चार चार के समूह में विभाजित करती है और उनकी पाठ्य पुस्तकों से पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करती है। यह किस प्रकार की भाषा अधिगम गतिविधि है? संपर्कात्मक गतिविधि इंटरेक्टिव है दोस्तों। क्या है? संपर्कात्मक गतिविधि इंटरेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, लेखक को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? डिसग्राफिया है। क्या है दोस्तों? डिसग्राफिया। लेखक को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? डिसग्राफिया। जब विभिन्न स्वनिमन व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब क्या कहलाता है दोस्तों? अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर। कौन सा पठन की गलत आदत है? जल्दी जल्दी पढ़ना दोस्तों। कौन सी पठन की गलत आदत है? जल्दी जल्दी पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी डोप टाउन सरमन प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं? दोस्तों बॉटम अप प्रक्रिया था ए, टॉप डाउन प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? बी, विशिष्ट बारीकी जैसे ध्वनिया शब्द खंड आदि को सुनना अप प्रक्रिया हो गया। अब मुख्य बिंदु को जानने के अनुमान लगाने निष्कर्ष निकालने सारांशकरण करने के लिए सुनना ये टॉप डाउन प्रक्रिया है दोस्तों। पाठन पाठ्य सामग्री का प्रामाणिकता क्या है? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग में उपजी पाठ्य सामग्री। क्या है दोस्तों? पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा उपयोग से उपजी पाठ्य सामग्री है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बॉटम अप सर्वन गतिविधियां हैं और कौन सी टॉप डाउन सर्वन गतिविधियां हैं? सारांशीकरण, समूचे संदेश को सुनना और पहले से अर्जित ज्ञान का उपयोग करना, श्रुत लेखन, क्लोज सर्वन, बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग, चर्चाएं। तो दोस्तों हो जाएगा ए टॉप डाउन गतिविधि और बी बॉटम अप गतिविधि है। सामग्री विकास के संदर्भ में सामग्रियों की शिक्षण शास्त्रीय समझ से क्या तात्पर्य है? अध्याय को शिक्षण शास्त्र की समझ देने और क्रियान्वित करने के लिए सामग्री और शिक्षण शास्त्र के पारस्परिक संबंध की समझ देना। क्या दोस्तों? सामग्री विकास के संदर्भ में सामग्रियों को शिक्षण शास्त्रीय समझ से क्या तात्पर्य है? अध्यापक को शिक्षण शास्त्रीय शिक्षण शास्त्र को समझ देने और क्रियान्वित करने के लिए सामग्री और शिक्षण शास्त्र के पारस्परिक संबंध को समझ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, भाषा अधिगम के निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के द्वारा उद्योग के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है? समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। क्या बोला दोस्तों? कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है? तो समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके व्यक्तिगत रूप से लिखना। एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्या कहलाएगा? कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना। एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्या कहलाएगा? कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी सम्मिलित नहीं। तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है दोस्तों। कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है? सुनना और पढ़ना। दोस्तों कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है? सुनना और पढ़ना दोस्तों नहीं है। कौन सा विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं? संज्ञा शब्द है। कौन सा विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं? संज्ञा शब्द है। वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक रूब्रिक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है?
दोस्तों हो जाएगा चयन संग्रह अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधानी बरती जाए। क्या होगा, वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फीडबैक रूबरी सर्वाधिक रूप से ऊपर उपयुक्त है। चयन संग्रह अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधानी बरते जाए। लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए कि जिन शब्दों को सीखा है वे कौन सी है। सक्रिय शब्द भंडार क्या है दोस्तों, सक्रिय शब्द लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जिन शब्दों को सीखा वे कौन से, सक्रिय शब्द भंडार दोस्तों। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है। तो भाषा संगम है, क्या है दोस्तों, भाषा संगम है। और ब कथनों में विचार करें, ओ अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। ब अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण शब्दावली और भाषा के सभी विषयों क्षेत्र के विमर्श है। और ब दोनों सही है दोस्तों, क्या है और ब दोनों सही है। एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। और निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है, कोड स्विचिंग दोस्तों। एक शिक्षिका एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, कोड स्विचिंग का दोस्तों। कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्रियों की विशेषता नहीं है, प्रामाणिक पठन सामग्री शब्दकोश में मिल सकते हैं। कौन सा पठन सामग्री की विशेषता नहीं है, तो प्रामाणिक पठन सामग्री शब्दकोश में मिल सकते हैं, ये गलत होगा दोस्तों। और जो सही है उसको पढ़ते हैं, प्रामाणिक पठन सामग्रियों में सांस्कृतिक सूचनाएं होती है, समाचार पत्र हेडिंग और ब्रोशर दो तीन पन्नों की सामग्री प्रमाणित सामग्री के उदाहरण है। प्रामाणिक पठन सामग्री जल्दी पुरानी पड़ जाती है। निम्नलिखित में पर ध्यान दें, अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के बीच संवाद, आपके परिवार में रात के भोजन को किस प्रकार का भोजन खाते हैं। अच्छा, आपको पूरी तरह से मालूम नहीं, चिंता मत करें, निम्नलिखित में कौन सा सही है दोस्तों। अध्यापक ने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई है, विद्यालय में शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये इसकी अनुमति नहीं दी गई है दोस्तों। विद्यालय में शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं दी गई है। चलिए जो भाषा दिया गया उसको पढ़ते हैं, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, कक्षा भारत कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक माध्यम के रूप में मातृभाषा घर की भाषा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मातृभाषा के उदाहरण देखकर दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है मातृभाषा से उदाहरण देखकर दोस्तों कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि सर्वोत्तम है, भाषा के अवसर कौन उत्तम है दोस्तों, भाषा के अवसर। कक्षा 8 की अध्यापिका रिया कुमार वाच्य तथा काल पढ़ने के लिए व्याकरण के पाठ की योजना बनाती है। सबसे पहले वह शिक्षार्थियों को ऐसी कहानी सुन पाठ पुस्तक पढ़ने के लिए अधिक उदाहरणों के द्वारा इस पर चर्चा करती है। वह उन्हें कार्य में कुछ और वाक्य इन रूपों के प्रयोगों के लिए भी देता है। इसके बाद वह कब और कैसे रूपों के प्रयोग की ओर आकर्षित करती है, इस युक्ति को किस रूप से जाना जाता है, संचेतता में वृद्धि क्या होता है दोस्तों, संचेतता में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक सामग्री नहीं है, पाठ पुस्तक लेखक के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई पाठ सामग्री। निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक सामग्री नहीं, तो पाठ पुस्तक लेखक के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई पाठ सामग्री दोस्तों। कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, तो संकेत भाषा व्याकरण नहीं होता है, यही सही नहीं है दोस्तों। संकेत भाषा स्वाभाविक भाषा, संकेत भाषा व्याकरण भाषा होती है, व्याकरण होता है, और संकेत भाषा विभिन्न रूप है, यही है दोस्तों। कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, उड़िया तमिल मलयालम है। व्याकरण सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है,
शिक्षार्थी अर्थ और प्रयोग से नियमों की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब व्याकरण सीखने के बारे में तो कौन सा कथन सही है, तो शिक्षार्थी अर्थ और प्रयोग से नियमों की ओर अग्रसर होते हैं। कौन निम्नलिखित में से लिखने की प्रक्रिया उपागम में शामिल चरणों की पहचान करें? तो दोस्तों आप भाई बहनों को पता है ये भी कि लिखने की प्रक्रिया उपागम में शामिल चरणों की पहचान करें, तो ये हो जाएगा आपका रूपरेखा बनाना, प्रारूप, रूपरेखा बनाना, प्रारूप बनाना, संपादन करना, पुनः प्रारूप बनाना, अंतिम लेख, यही होगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद तथा सराहना करना। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आनंद तथा सराहना करना। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है दोस्तों। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या होता है? बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। संज्ञान, संज्ञाएं, क्रियाएं और विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के शब्द में दोस्तों संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के, विषय वस्तु के शब्द में दोस्तों एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक शब्दों रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता बनाता बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ। क्या कहा जाएगा दोस्तों? संज्ञानात्मक युक्तियाँ। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखते हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ दोस्तों। सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति तब संभव होती है जब बच्चे को बातचीत के अवसर दिए जाते हैं। सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति तब संभव होती है जब बच्चों को बातचीत के अवसर दिए जाते हैं, दिए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की मौलिकता दोस्तों। पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या हुआ दोस्तों? पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप भाई बहनों को भी पता ही होगा, अर्थ है। पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ। और व्याकरण सीखने में कार्य विधि ज्ञान को डैश रूप में जाना जाता है। व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके को समझ दो, तरीके की समझ। व्याकरण सीखने के कार्य विधि ज्ञान को डैश रूप में जाना जाता है। व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके को समझ दोस्तों। शिक्षार्थी लेखन के अनेक प्रावों से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया उपागम। किस उपागम जाना जाता है? तो प्रक्रिया उपागम। शिक्षार्थी लेखक के अनेक प्रावों से गुजरते हैं। लेखक के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया उपागम दोस्तों। एक प्रमाणिक पाठ सामग्री है, संदर्भ से ली गई मूल्य पाठ सामग्रियां। एक प्रमाणिक पाठ सामग्री क्या है? संदर्भ में से ली गई मूल्य पाठ सामग्री है। हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है? खनन को मानवमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है? तो खन को भानमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, कक्षा 8 में बच्चों को पठन अवबोधन को विकसित करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना। कक्षा 8 में बच्चों के पठन अवबोधन को विकसित करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना। कक्षा 7 की सलमा अक्सर पकड़ और डमरू को डमरू लिखती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? सलमा अंगों का ध्वनि संकेत संबंध कमजोर है। सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, इसे कहते हैं सहजात भाषा योग्यता। सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, इसे कहते हैं सहजात भाषा योग्यता। उत्पादनकारी शब्दावली क्या है? वे सब जिन्हें हम लिखने बोलने में प्रयोग करते हैं। उत्पादनकारी शब्दावली क्या है? वे सब जिन्हें हम लिखने बोलने में प्रयोग करते हैं।
कौन सी गतिविधि का लक्ष्य ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता करना है? एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा, ए और बी उधर प्रक्रिया, उधर मुखी प्रक्रिया है, श्रुतलेख और क्लोज परीक्षण, श्रुतलेख और क्लोज परीक्षण है दोस्तों। पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना कौशल डैश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति, तो कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति दोस्तों। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने आप और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है, भाषा का दोस्तों। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने आप और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है भाषा से। कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलता है, इसका स्वाभाविक संभावित कारण है या उसकी मातृभाषा का प्रभाव? कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है उसकी या उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। 155 देखिए, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? स्किनर से, किससे संबंध है? एक स्किनर से दोस्तों। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? स्किनर से। बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो दोस्तों। बच्चों की भाषाई क्षमता का क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो। व्याकरण शिक्षण का अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, निगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि निगमन विधि है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? प्रश्न पत्र दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? प्रश्न पत्र दोस्तों, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे ठोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे ठोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आकलन एक सतत प्रक्रिया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? विषय वस्तु शिक्षण पाठ सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। सॉरी दोस्तों, प्रवृद्धि सामग्री शिक्षण और कार्य कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि होगा। आकलन एक सतत प्रक्रिया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्रवृद्धि सामग्री शिक्षण और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार का प्रतिपुष्टि। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित करना। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या होता है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित करना। सभी भाषाई कुशलताएं क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के संबंध है। सभी भाषाई कुशलता एक दूसरे से संबंध है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किससे किस स्थान को से सहमत हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वे सीख जाएंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वे सीख जाएं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है
डायरी लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लिखना। दोस्तों बहुभाषिकता, कक्षा में बच्चे की भाषा में क्या होती है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त दस सामग्री का विकास किया जा सकता है। पूरक है दोस्तों, बच्चों के पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त दस सामग्री का विकास किया जा सकता है। पूरक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। एक तरफ भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। विचार प्रक्रिया संस्कृति है दोस्तों, विचार प्रक्रिया सुसंस्कृत है। एक तरफ भाषा हमारे डैश को व्यवस्थित करती है और दूसरी तरफ यह हमें डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनुखोजी दुनिया में ले जाती है। विचार प्रक्रिया सुसंस्कृत दोस्तों, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है, यह शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है, यह शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तो हो सकता है भाषा में आकलन। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तो हो सकता है भाषा में आकलन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, भाषा निवेश है दोस्तों। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर का मुख्य आधार क्या, भाषा परिवेश। भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था नियमबद्ध है दोस्तों। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे, गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व के किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। सामाजिक व्यवहार के दैश व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। भाषिक दोस्तों मतलब क्या है, सामाजिक व्यवहार के दैश व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। भाषिक, हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चों की एक ही भाषा नहीं होती। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चों की एक ही भाषा नहीं होते हैं। हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलती है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही नहीं है दोस्तों, जो सही उसको पढ़ते हैं। भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण
करते हैं। भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाए जो बच्चों के संवेदनाओं लोक के साथ ही बन सके। भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ ही बन सके। भाषा के आकलन का प्रयोग मुख्यता के लिए होना चाहिए। बच्चों के भाषिक प्रयोग की क्षमता, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यता के लिए होना चाहिए। बच्चों के भाषिक प्रयोग की क्षमता दोस्तों भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को दर्शाए सभी विकल्प। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को दर्शाए सभी विकल्प। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पांच वाक्य बनाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पांच वाक्य बनाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है कवि की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषा की कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषा की कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। भाषा शिक्षण के में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल में अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त विचार। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतना योग्यता आवश्यक हो कि वह सभी बच्चों के मातृभाषा की संरचनाओं की जान सके। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक हो कि वह सभी बच्चों के मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लेस होते हैं। पोल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आती है। इसका स्वाभाविक कारण है उसमें पढ़ने की प्रति ललक है। पोल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आती है। इसका संभावित कारण है उसमें पढ़ने की प्रति ललक। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब बच्चों के समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेट नंबर 2 चलते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। दूसरा 100 क्वेश्चन और कंप्लीट करा दिया जाता है इसी वीडियो में दोस्तों। उसके बाद हिंदी अंतिम हो जाएगा।
हिंदी का पेपर वन और पेपर टू पूरा कंप्लीट करा दिया गया। जब से सीटेट स्टार्ट हुआ एग्जाम से लेके 2011 से लेके 2022 तक पूरा सीटेट का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस इस चैनल पे एग्जाम 91 में कंप्लीट करा दिया गया है। दोस्तों जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो प्लीज आइए प्लेलिस्ट में और देखिए पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है भाषा के विविध प्रयोग से परिचित कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी के शिक्षण के उद्देश्य नहीं तो भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना। सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का आदेश है। बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना। कक्षा सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है। बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। डैश में बोली जाने वाली, डैश के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फसलों को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। घर में और दोस्तों का स्कूल। घर में बोली जाने वाली और दोस्तों के बीच पड़ोसी भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसमें काल्पनिक कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव होता है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? संप्रेषण करना। भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? संप्रेषण करना। अनुस्वर अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री में समृद्ध वातावरण देकर उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या होता है? सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या होता है? सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगम पद्धति में उदाहरण के नियम की ओर जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के बारीकियों की समझ व प्रयोग। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक दैश उद्देश्य है महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका संश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। अंतः वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? वाक्यगोष्ठी से। दोस्तों अंतः वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? वाक्यगोष्ठी से। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग।
अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के स्त्रैव जिस तरह संसाधनों का आवश्यकता उचित प्रयोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन। दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। दीप्ति ने आठवीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए इसका प्रमुख कारण है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। क्या है दोस्तों? बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। नाटक और एकांकी प्रश्न पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संवाद अदायगी। दोस्तों, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संवाद अदायगी। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है दोस्तों खाली पढ़कर प्रश्न बनाओ। रचनात्मक आकलन का सबसे सटीक तरीका क्या है? कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में। दोस्तों, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि। पोर्टफोलियो समय कौन सा कथन सही है? इससे बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता है। पोर्टफोलियो के समय में कौन सा कथन से इससे बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। दोस्तों, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था की दैस और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। धारणाओं का। दोस्तों, प्रत्येक भाषा के पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही और दैस कार्यक्रमों को गढ़ती है और व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों को निर्देशन का कार्य करती है। धारणाओं। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। भाषा शिक्षण का निर्माण कार्य उपागम इस बात पर बल देता है कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चों स्वयं ही नियम बना लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उपयोग उद्योग नहीं उद्देश्य नहीं है? तो कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविताओं को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता संदर्भ को पोषित करता है। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविताओं
को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा के बहुभाषिक संदर्भों को पोषित करता है। बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास को सर्वाधिक सहायक होते हैं। कहानी पढ़कर सवाल बनाना, बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास का सर्वाधिक सहायक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों क्या होगा, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ कौन सा सत्य नहीं है? तो ये रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, गलत है दोस्तों। जो सही उसको पढ़ते हैं। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। अब भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के उपयोग भाषा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी दोस्तों विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। हिंदी भाषा और सतत व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आँखों देखें वर्णन करना, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आँखों देखा वर्णन करना भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। भाषा में आकलन संभव है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन संभव है तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा भाषा के आधारभूत कौशल में सर्वोपरि है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो भाषा के आधारभूत कौशल में सर्वोपरि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है कि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। हर हीन अक्सर अपने कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों हर हीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है और उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए अतः उसके लेखन की कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो समस्त क्या नहीं है तो दोस्तों ये देखना है ना, तो समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना ये नहीं है दोस्तों, जो है उसको पढ़ते हैं। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। दो भाषा बोलने वाले बच्चों ने केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के देश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यक्तित्व दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के देश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यक्तित्व दोस्तों कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? रहस्य रोमांच क्या होगा? रहस्य रोमांच होगा दोस्तों। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगी? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगी? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं।
पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के मूल भाव का बातचीत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन संदर्भ में आप किस कथन को सहमति प्रकट करेंगे? बच्चों के पास फैल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन को सहमति प्रकट करेंगे? बच्चों को पास फेल करना और वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ होता है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, किसके साथ होता है? चुमस्की के साथ। तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है, चुमस्की के साथ है। कक्षा 8 के बच्चों को पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो दोस्तों स्किनर क्या है अंतर, सॉरी दोस्तों ये तो चुमस्की होगा, एक कंफर्म है। हम कहीं दूसरे क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिए थे उसमें दोस्तों। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है लिखित परीक्षा, सॉरी क्लोज परीक्षण दोस्तों। कक्षा 8 के बच्चों के पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक होता है क्लोज परीक्षण। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है अंतःक्रिया दोस्तों। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है अंतःक्रिया। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। आठवीं कक्षा के बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। आठवीं कक्षा के बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द का ध्यान देते हैं। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं गलत है दोस्तों, जो सही उसको देखते हैं। पठन सामग्री का बच्चों के समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, सही है। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एक FM की चर्चा करता है, इसका प्रमुख चरण है क्या है दोस्तों? तो सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा FM की चर्चा करते, इसका प्रमुख कारण है सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। कौन सी विधि का अनिवार्यता स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? एकांकीय क्या है दोस्तों? एकांकीय मतलब हिंदी कौन सी विधि का अनिवार्यता स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? एकांकी का दोस्तों। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक कल्पना वस्तु पुराने के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, नीना ऐसा क्यों करती है? बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बच्चों की मातृभाषा की जानकारी मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सॉरी दोस्तों नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु पुराने के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, नीना ऐसा क्यों करती है? वो भाषिकता बढ़ाने के लिए। क्या है? वो भाषिकता बढ़ाने के लिए दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है जांच सूची है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी क्या है? जांच सूची है दोस्तों। आप स्वस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्य विद्या का समर्थन करेंगे?
एकांकी का दोस्तों आप स्वस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्य विद्या का समर्थन करेंगे? एकांकी का भाषा शिक्षण का दायित्व है कि वह सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। भाषा शिक्षण का दायित्व है कि वह सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरण के नियम की ओर। दोस्तों आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरण के नियम की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? विचारों की मौलिकता। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? विचारों की मौलिकता। भाषा सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है तो है क्या है? दोस्तों कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ाने के दौरान डैश विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुनाद है, अनुतान है। दोस्तों क्या है? अनुतान है। कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिम्मत है। क्या है दोस्तों? सिम्मत। कौन सा शब्द कोश में सबसे पहले आएगा? सिम्मत है। दोस्तों कक्षा सात में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है श्रुत लेख है। दोस्तों कक्षा सात में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या? श्रुत लेख है। दोस्तों भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषय नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन चुनिए। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजों को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची सम्मिलित किया गया है। दोस्तों क्या फिर से देखिए, तो भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषय के नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजों को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किसके संबंधित होते हैं? वाक्य विन्यास। तो अध्यापक होने के नाते आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किससे संबंधित होता है? वाक्य विन्यास। दोस्तों दो विद्यार्थी एक ही पाठ सामग्री को पढ़ते हैं फिर भी इसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं, उनके बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी जो सही उसको पढ़ते हैं। यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करता है। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? बॉटम अप पठन सिद्धांत। समग्र भाषा सिद्धांत का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? तो बॉटम अप पठन सिद्धांत। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? सुनने वाले सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए पोषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सुनने वाले को सामाजिक आर्थिक स्थिति। दोस्तों मैं अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर कक्ष में ले गई, मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ लेखन कार्य करें। उन्होंने क्या किया? अपने मित्रों को संदेश भेजे। ऐसा क्यों हुआ होगा? अध्यापक ने स्पष्ट निर्देश दिए। कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है कि एक अध्यापक कार्य पत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर
छठा शब्द हटा देता है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्य पत्रक में पूरा कर देने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। तो क्या होगा दोस्तों, निंदनात्मक परीक्षण होगा। क्या होगा, निंदनात्मक परीक्षण। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, शिक्षण के लिए तैयारी। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, शिक्षण के लिए तैयारी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सही है, संकेत भाषा का व्याकरण। कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सही, संकेत भाषा का व्याकरण दोस्तों। लेखन के उत्पाद उपागम का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, एक बार किए गए अभ्यास के रूप में लेखन। लेखन के उत्पाद उपागम निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो एक बार किए गए अभ्यास के रूप में लेखन। कविता डैश के लिए है, आनंद लेने और सराहने के लिए कविता है दोस्तों। कविता डैश के लिए, तो आनंद लेने और सराहने के लिए। शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं, लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है, प्रक्रिया उपागम में जाना जाता है। इसमें दोस्तों प्रक्रिया उपागम एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है, संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री है। एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है, संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री है दोस्तों। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास डैश है, सहारा मिलना। क्या है दोस्तों, सहारा मिलना। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना, सारांश लिखना सम्मिलित है। अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया। क्या है दोस्तों, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देते हैं। शिक्षार्थी को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीतिक से संबंधित अन्य पुस्तकें और दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों सामूहिक पाठ्यचर्या में भाषा, समूची पाठ्यचर्या में भाषा कहलाती है। कौन सी व्याकरण सीखने में समय सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है, तो व्याकरण। भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना और वह प्रयोग करने के योग बनाना था, बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना दोस्तों। कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है, तो व्याकरण। भाषा के संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के लिए योग बनाना था, बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, बर्छी, कृपाण, कटारी उस समय के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। यह प्रश्न डैश सहायक है। बाहरी जीवन और कक्षा की दुनिया को जोड़ना, बाहरी जीवन और कक्षा की दुनिया को जोड़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विविध प्रकार का साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विविध प्रकार की साहित्य। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होता है, यह विचार डैश है दोस्तों। अंतःक्रिया आपका पियाजे साहब बोले थे, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास के सहायक है, यह विचार वायगोत्स्की साहब का था। किसका था दोस्तों, वायगोत्स्की साहब का था। निम्नलिखित में से कौन सी दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सही थे, ए और डी है। कौन है दोस्तों, ए और डी है। त्रुटियां सीखने के क्षेत्र हैं और त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठ पोषण का काम करते हैं। भाषा अथवा पाठ्य पुस्तक की कक्षा में बहुभाषिकता के रणनीति के रूप में शिक्षार्थियों की भाषाओं और भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों से अपेक्षित है कि वे भाषा में तथा भाषा के साथ कार्य करें।
भाषा के साथ संलग्नता। दोस्तों भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों से अपेक्षित है कि वे भाषा में भाषा के साथ कार्य करें, भाषा के साथ संलग्नता। भाषा आकलन संबंधित है, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का पालन। दोस्तों भाषा आकलन संबंधित है, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन। स्वदेश पूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं है, सुलेख का कार्य कीजिए ये नहीं है। दोस्तों नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए ये है, मंचन के सामने की सूची बनाइए है, साइकिल चोरी हो जाने की सूचना लिखिए ये भी है। दोस्तों विद्यालयों में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा डैश के रूप में। तो माध्यम दोस्तों भाषा विद्यालय में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा माध्यम के रूप में। दोस्तों व्याकरण शिक्षण के आगम भी डैश पर बल देती है, उदाहरण पर देती है। क्या है दोस्तों फिर से देखिए, व्याकरण शिक्षण के आगम विधि उदाहरण पर बल देती है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ व्यंजना। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ व्यंजना। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तरवन अधोमुखी बॉटम अप उप कौशल नहीं है? तो मुख्य बिंदुओं को ढूंढना। क्या नहीं है दोस्तों? मुख्य बिंदुओं को ढूंढना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है? विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों को शिक्षण। क्या है दोस्तों? विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी। कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है? तो विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षक माध्यम के रूप में अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी सर्वन प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीति अपनाती है? मुख्य विचारों को सुनना, अनुमान लगाना, हस्तक्षेप करना, सार निकालना। तो अधोमुखी टॉप डाउन सर्वन प्रक्रिया है। दोस्तों भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा की नीति क्या है? दोस्तों त्रिभाषा सूत्र है। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा की नीति क्या है? त्रिभाषी सूत्र है। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई ज्ञानात्मक उसे उच्च भाषाई निपुणता CALP संकेत करती है। जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से संप्रेषण किए जाते हैं। जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। शिक्षण में स्वस्वर संबंधी विधि के बारे में क्या सही नहीं है? ये विषय की बेहतर समझ में सहायक होते हैं। शिक्षण स्वर संबंधी विधि के बारे में क्या सही है? ये विषय के बेहतर समझ में सहायक है। सुश्री मीशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है। वह वाक्यों के प्रकारों के उदाहरण देती है जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं। सुश्री निशा किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? निगमनात्मक और आगमनात्मक। निगमनात्मक से आगमनात्मक। आयासा ने इस बात का संज्ञान लिया कि जिसका आयासा ने उस बात का संज्ञान लिया कि उसका विद्यार्थी रमेश उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देता है जो प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए रमेश अपने प्रदत्त कार्यों को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जाता और उसे यह प्रदत्त कार्य बहुत कठिन लगते। रमेश क्या नहीं कर पा रहा है? संदर्भ में अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा। दोस्तों अध्यापक अनुमान पठन प्रतिक्रिया अध्यापक अनुमान पठन प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? तो पठन का। दोस्तों कौन सा पठन घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? सटीकता और प्रभाव विकसित करना। क्या हुआ दोस्तों? कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? सटीकता और प्रभाव विकसित करना। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्रह हो सकते हैं? तो शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। जीवा नई व्याकरणिक अवधारणा जैसे कि जा रहे थे सीखते समय पहले सीखी गई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है जा रहे किससे संबंध जोड़ पाता है?
ज्ञानात्मक युक्ति, क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक युक्ति है। शिक्षार्थी को समाचार पत्र पर मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को उस इस एक सप्ताह या उस दिन विशेष मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थी समूची कक्षा के प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करती है और विश्लेषण करती है। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है, तो अध्ययन, संलग्न और विमर्श इस्तेमाल भाषा शामिल है। दोस्तों कौन सा गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, तो अध्यापक शिक्षार्थी के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो के आकलन संबंधित है, तो अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड करते रखते हैं। जो शब्द हम लेखन और वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद शब्द संपदा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उत्पाद शब्द संपदा। जो शब्द हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद शब्द संपदा। उन गतिविधियों को क्या कहेंगे जिनके माध्यम से व्याकरण के नियमों को जीवन के वास्तविक संप्रेषण में प्रयुक्त करते हैं, संदर्भ में व्याकरण की गतिविधियां। क्या है दोस्तों, संदर्भ में व्याकरण की गतिविधियां। उन गतिविधियों को क्या कहेंगे जिनके माध्यम से व्याकरण के नियमों को जीवन के वास्तविक संप्रेषण में प्रयुक्त करते हैं, संदर्भ में व्याकरण की गतिविधियां। एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक लघु कथा पढ़ने के लिए कहती है। वह कहानी में आई घटनाओं को मुख्य बिंदुओं की सूची बनाने के लिए कहती है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, कहानी की नई पठन सामग्री तैयार करना। कहानी की नई पठन सामग्री तैयार करना। दोस्तों पठन बोध से क्या तात्पर्य, निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पठन बोध से क्या तात्पर्य, निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है, वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है, ग्राह्य शब्द संपदा। दोस्तों अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है, वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है, ग्राह्य शब्द संपदा। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेंगे। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेंगे। अंतर्वाक का संकल्पना का संबंध किससे है, वायुगोष्ठकी से। दोस्तों किससे, वायुगोष्ठकी से। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आज आपका टॉपिक समाप्त होता है। सीटेट का जितना भी सचिन सर के नोट्स में दिया गया था पूरा कंप्लीट करवा दिया गया दोस्तों। अब इसके बाद सचिन सर के नोट्स में कुछ नहीं दिया गया है, बस संस्कृत और इंग्लिश को छोड़कर जितना भी सचिन सर के नोट्स में था पूरा इस चैनल एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों अपलोड कर दिया गया। जो भाई बहन नहीं देखे वो प्लीज़ चैनल पर एक बार आइए और प्ले लिस्ट में जाके प्रत्येक वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों।